सरकार का प्रयास है कि राज्य के जो महोदय माननीय रघुवर दास जी और पर विचार किया जाएगा और चाहूंगा कि माननीय हमारे गांव के ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल में जुड़कर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे शौचालय निर्माण, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में योगा क्लासेस की व्यवस्था की जाए ताकि वे स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ युवावस्था में हार्मोनल जो चेंजिंग होती है उसके बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री, आपने जो बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत की है उससे बच्चे काफी लाभान्वित हुए हैं, और आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस भ्रमण योजना को आगे तक जारी रखें और इसमें अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करें और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करें, क्योंकि झारखंड में खासकर हॉकी मैच में यहाँ का पोटेंशियल काफी अधिक है। थैंक यू। योजना ला रही थी जिसका उद्देश्य था कि गैर शिक्षक लोग भी विद्यालयों में शिक्षा दे सकते हैं। यदि झारखंड में इसे लागू किया जाता है तो किसी भी विषय के पारंगत या विशेषज्ञ शिक्षक हमें अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसके लिए उचित धनराशि का आवंटन हो। जी जिला में फल एवं सब्जी का काफी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु किसान ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं और कम दाम में उसे बेच देते हैं। इसलिए कुटी जिला में कोल्ड स्टोर होना चाहिए और फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी स्थापना होता तो वहाँ किसान अपने सब्जी फल इत्यादि को अच्छी दाम पर बेच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक 432 योजनाएं इस वर्ष सैंक्शन है, हमारे उस धान को क्रय केंद्र तक पहुंचाएं। सरकारी स्कूल में पढ़कर सुश्री गोलू कुमारी ने जो प्री बजट में उन्होंने सुझाव दिया तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यही गुणवत्ता हमें शिक्षा में लाता है। शिक्षकों की गुणवत्ता लाना, सरकारी के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता लाना और आज की समय को देखते हुए आधुनिक शिक्षा, इस वैश्विक युग में हमारा झारखंड का एक एक बच्चा उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो, ऐसी शिक्षा देना हमारी सरकार का उद्देश्य। और बहुत डिटेल से जो भी अभी निवर्तमान हो गया आराधना पटनायक जी, उनका विभाग आ गया पेयजल स्वच्छता विभाग, उन्होंने काफी उस विभाग के मंत्री उस विभाग के सारे टीम लगकर इन 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं इस राज्य समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी है वो गरीबी का कारण इस राज्य शिक्षित प्रदेश नहीं होगा। आज भी अगर हम सुदूर क्षेत्र में जाएं तो गरीबी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है और शिक्षा एक ऐसा जड़ी बूटी है जो सारी समस्याओं का हल कर सकता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं होता है, शिक्षा से ज्ञान आती है, शिक्षा से हमारे अंदर समझदारी आती है और समझदारी के बाद हमारे अंदर ईमानदारी।